एपिसोड 117, सिंगराज इन अ कोमा। निया धीरे से बड़बड़ाती है, मुझे लगता है वहां बाहर कोई पशु मानव फंसा हुआ है। जिराज भी खिड़की के बाहर देखता है और बोलता है, वो तो कोई पशु मानव जमीन पर सोया है। फिर वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। निया उसे बोलती है, ध्यान से। जिराज फिर तेंदुआ बन जाता है और उत्साह में बारिश में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाजे से आता है और उसके मुंह में चीता था। फिर वो मेन रूम में आता है और बेडरूम में नहीं जाता है। इंसान बनने से पहले वो उसके शरीर से पानी निकालता है। फिर वो निया को बोलता है, मैं इसको बारिश से बचने के लिए जगह दे रहा हूं क्योंकि इसने तुम्हें ग्रीन क्रिस्टल दिया था। निया नागाल की आर्म्स में से ही निकलकर मेन रूम में आती है। वो बोलती है, क्या ये सिंगराज है? ये बिजली में फंस गया था? जिराज उसको सूंघता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता क्योंकि इसमें से बिजली जैसी खुशबू नहीं आ रही है। निया बोलती है, फिर इसे क्या हो गया है? उसका हाथ लकड़ियों के पास पड़े चकमक पत्थर पर जाता है। वो उसे घिसती है जिससे बहुत सारा स्पार्क निकलता है। जिराज वो पत्थर उससे छुड़ा लेता है और फिर कमरे में छोटी सी रोशनी जलती है। उधर से नागाल अपनी पूंछ से मेन रूम में आ जाता है। वो सिंगराज की तरफ ध्यान से देखता है और बोलता है, इसे जहर दिया है। निया फ्रोज हो जाती है। उसे याद आता है कि नागाल एक जहरीला नाग है, तो वो बोलती है, तुम इसे नॉर्मल कर सकते हो? नागाल बोलता है, मैं सिर्फ अपना जहर ही कम कर सकता हूं। मुझे याद है, इसने एक लड़की को स्कॉर्पियन से बचाया था। हो सकता है इसे उसी ने काटा होगा। और ये अभी तक जी रहा है, इसका मतलब कि ये जहर इसके लिए घातक नहीं है। निया परेशान होकर बोलती है, लेकिन ये बेहोश हो गया है, इस मौसम में तो सब अपने अपने घर में है। तो अगर सिंगराज को जहर दिया तो वो बाहर क्यों आया? निया संदेहजनक होकर बोलती है, इसे किसी और ने तो हानि नहीं पहुंचाई है ना? जिराज तुरंत बोलता है, लेकिन फोर एनिमल स्ट्राइप्स वाले पशु मानव को कौन हानि पहुंचा सकता है? पशु नगर का गर्व है। जैसे ही वो बोलना बंद करता है, बाहर बारिश के साथ किसी के कदमों की भी आवाज आती है। बाहर बहुत सारे पशु मानव हैं। निया पीछे हो जाती है। वो आदेश देती है, इसे अंदर छुपा दो। जिराज उसे लकड़ियों के अंदर में छुपा देता है। बाहर एक भेड़ियों का झुंड घूम रहा था। वो लोग कुछ सूंघते हुए चल रहे थे। यहां आकर खुशबू खत्म हो गई है। फिर स्टोन हाउस की तरफ देखते हैं। सुमित इंसान का रूप ले लेता है और दरवाजा बजाता है। दरवाजा अंदर से जोर से खुलता है। इससे सुमित को धक्का लगता है। जिराज गुस्से से सुमित को देखता है और फिर रूखेपन से पूछता है, क्या वो आदमी इसकी फीमेल के लिए कभी नहीं लड़ने को तैयार है और एक दिन वो इसी कारण उसे मार देगा? सुमित की आंखें घर के अंदर की सारी चीजें देख लेती हैं। एक आग भी जल रही है। जब वो निया को खुद को वार्म करते हुए देखता है तो उसके एक्सप्रेशन जाते हैं। निया? नागाल आंखें छोटी करके दरवाजे की तरफ देखता है और थोड़ा आतंक का माहौल बना देता है। वहां सिर्फ निया ही थी जिसे सुमित की चिंता थी। वो डरते हुए बोलती है, इतनी रात हो गई है, तुम यहां क्या कर रहे हो? सुमित बोलता है, कुछ नहीं, बस यहां से गुजर रहे थे। आप लोगों ने चीते को देखा है? ये सुनकर निया सावधान हो जाती है। ये हो सकता है कि सुमित के इरादे खराब ना हो, लेकिन अभी सिंगराज की हालत सही नहीं है। अब उसे दूसरी प्रजाति के पशु मानव को देना थोड़ा खतरनाक लग रहा है। अगर ये लोग भी चीता पशु मानव होते तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। निया बोलती है, क्या हुआ? वैसे भी इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता ऐसे में कोई भी घर से बाहर निकलेगा। सुमित बोलता है, वो पागल हो गया है। जब एप किंग उसका इलाज कर रहे थे तो वो वहां से भाग निकला। लेकिन तुम ठीक हो तो कोई बात नहीं, हम आगे जाते हैं। एक भेड़िया पशु मानव दुखी होकर गरजता है। सुमित वो भेड़िए को देखता है और बोलता है, लगता है पानी ने उसकी खुशबू साफ कर दी है, हम लोग आगे जाकर ढूंढते हैं। एपिसोड 118, द एप किंग्स मोटिव। जब वो भेड़िए वहां से चले जाते हैं तो निया जिराज को बोलती है कि सिंगराज को बाहर निकालो। निया दुखी होकर उस व्हाइट टाइगर को देखती है। वो मरने की कगार पर था। वो बोलती है, क्या सिंगराज सच में पागल हो गया है? अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मरेगा नहीं ना, क्या हम इसे उन्हें सौंप देना चाहिए? जिराज भी उस टाइगर को देखता है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब उठेगा।
फिर जिराज बोलता है, मेल्स इतनी जल्दी नहीं मरते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, आखिरकार ये हमारा घर है। निया गहरी सांस लेकर बोलती है, ठीक है, अगर ये मरता नहीं है तो आज रात ये यहीं रहेगा, और अगर कल तक भी इसे होश नहीं आया तो हम लोग इसकी फैमिली को बता देंगे। जिराज जमीन पर पंजा मारते हुए बोलता है, क्या तुम इसे रात भर यहां रखोगी? नागाल भी निया को देख रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो उसके पास आकर उसे उठा लेता है, फिर बोलता है, इसे यहीं रहने दो, हम चलकर सोते हैं। निया को आश्चर्य होता है कि उसने इस बात की सहमति दे दी। वो पलटकर जिराज की तरफ देखती है, फिर बोलती है, जिराज तुम इसमें और लकड़ियां लगा दो ताकि ये और भी गर्म हो जाए। जिराज खड़ा होता है और अंदर भाग जाता है। वो उसकी बात को खारिज करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई लड़की है। निया दुखी हो जाती है, वो चाहती है कि सिंगराज ठीक हो जाए और उसे ठंड ना लगे। उस रात वो नागाल के साथ सोई थी, उसे रात में ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि उसने अपने बॉडी पर एनिमल स्किन लपेट रखी थी। बारिश रात भर गिर रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि कल भी वो रुकेगी। जब निया उठती है तो उसे जिराज की दहाड़ने की आवाज आती है, अगर तुम जाग गए हो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी फीमेल को मत देखो। सिंगराज जाग गया है? निया की थकान भाग जाती है और वो नागाल की पूंछ से निकलकर बाहर आ जाती है। नागाल सो रहा था, जो वो बहुत ही कम करता है। वो अपनी ट्रांसपेरेंट आंखों से निया को देखता है और रिलैक्स हो जाता है। जब निया उससे दूर जाती है तो वो उसकी पूंछ को घुमा लेता है। निया अपनी आंखों को मसलते हुए मेन रूम में जाती है और बोलती है, तुम जाग गए? वो व्हाइट टाइगर जिराज को देख रहा था, उसके फर पूरी तरह सूख गए थे। वो निया की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ता है। निया को याद आता है कि सुमित ने बोला था कि सिंगराज पागल हो गया है, लेकिन उसकी आंखें अभी क्लियर लग रही थी। सिंगराज खड़ा हो जाता है तो उसके आगे के पैर ऊपर हो जाते हैं। निया को कुछ याद आता है और वो दुखी हो जाती है। जैसी कि उम्मीद थी वो इंसान बन जाता है। वो निया को बोलता है, थैंक यू, तुमने मुझे बचाया है। जिराज जाकर निया के सामने खड़ा हो जाता है तो वो सिंगराज को देखना बंद हो जाती है। निया बोलती है, तुम्हें सिर्फ मुझे ही धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, जिराज ने भी तुम्हारी मदद की है। सिंगराज बोलता है, तुम लड़की हो, ये लोग तुम्हारी ही बात मानेंगे। उसकी आवाज में वो पहले जैसी ताकत नहीं थी। निया उसकी परछाई देखकर बोलती है, कल तुम यहां से क्यों निकले थे? कल भेड़िए भी तुम्हें ढूंढते हुए आए थे और सुमित बोल रहा था कि तुम पागल हो गए हो। सिंगराज की आंखों में अचानक बुरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो बोलता है, वो एप किंग मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर निया हक्की बक्की रह जाती है। वो जिराज की तरफ देखती है, उसकी आंखों में भी कंफ्यूजन दिख रहा था। जिराज तुरंत बोलता है, ये नामुमकिन है, एप किंग तो इस पशुनगर का सबसे तेज आदमी है, उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, उन्होंने तो कल तुम्हारी तारीफ भी की थी। वैसे तो जिराज ने यह बात विश्वास से बोली थी, लेकिन फिर भी उसे अजीब लग रहा था। वो कभी भी एप ट्राइब पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता है क्योंकि वो लोग बहुत तेज होते हैं और ये नहीं बता सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर जब वो नीचे निया की तरफ देखता है तो एक बार फिर उसके मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है। सिंगराज पहले तो व्यंग में हंसता है और फिर भयंकर आवाज में बोलता है, यही तो है जो उसे चालाक बनाता है, वो मुझे मारना चाहता है और फिर भी उसने मेरी तारीफ की, तभी तो अगर मैं मर भी जाता तो कोई भी उस पर शक नहीं करता। एपिसोड 119, द फोर ट्राइब सिचुएशन। सिंगराज पहले आग को देखता है और फिर नीचे पड़ी राख को। वो घर परिवार की गर्मजोशी से भरा था, उसकी आंखों का गुस्सा अब जलन में बदल गया था। ये भेड़िए उस एप किंग के बहुत वफादार हैं, ऐसे लगता है जैसे ये उसका राइट हैंड है। ये बोलते हुए वो लकड़ी के पास चला जाता है, फिर बोलता है, दो अलग प्रजाति हैं, एक तो चीते की प्रजाति और दूसरी है तेंदुए की प्रजाति। इनमें से चीते की प्रजाति ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो पहले हमें खत्म करना चाहता है और उसका सबसे पहला टारगेट मैं हूं। ये सुनकर जिराज के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है, ये सिर्फ तुम्हारा अनुमान है, तुम फालतू की बात को बड़ा कर रहे हो। सिंगराज बोलता है, ये एक पशु मानव का अनुमान है और तुम्हें भी उसकी दुश्मनी का एहसास होगा जब उसके निशाने पर तुम होगे।
निया तो कुछ ही दिनों से पशुनगर में रह रही थी। वो एप किंग पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जब वो उसकी बात सुनती है तो उसी की तरफ हो जाती है। निया बोलती है, मुझे लगता है कि सिंहराज सही बोल रहा है। इंसान पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एप प्रजाति इंसानों से मिलती जुलती होती है और वो लोग चालाक भी होते हैं। निया को पता है कि वो लोग लालची भी होते हैं। निया बोलती है, तुम्हारे आगे की क्या योजना है सिंहराज? सिंहराज अपने हाथ पीछे कर लेता है और निया को देखता है, जिसे जिराज पूरी तरह नहीं ढक पाया था। फिर वो बोलता है, सबसे पहले तो मैं अपनी टाइगर ट्राइब में वापस जाऊंगा। निया तुरंत बोलती है, अभी ये खतरनाक नहीं होगा? तुम्हारी बॉडी में अभी भी जहर है। सिंहराज स्माइल करता है, लेकिन उसके मुंह पर मर्डरस लुक था। अब तो स्कॉर्पियो का जहर भी कम हो रहा है और अब मैं एप किंग की दी हुई दवाइयां भी नहीं ले रहा हूं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर निया को थोड़ा आराम मिलता है। दैट्स गुड। फिर वो अपनी कोहनी से जिराज के पेट में पोक करती है। वो बोलती है, सिंहराज अभी भी कमजोर है, क्या तुम उसे वहां तक छोड़ाओगे? जिराज कुछ बोले उससे पहले ही सिंहराज बोल उठता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। फिर वो चीता बन जाता है और अपने सर से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और पीछे पलटकर स्टोन हाउस को देखता है। वहां का दरवाजा बंद हो गया था। वैसे तो बारिश की वजह से उसके व्हाइट फर उसकी बॉडी से चिपक गए थे, लेकिन फिर भी वो मजबूत और ताकतवर लग रहा था। वो उस घर को ऐसे देख रहा था मानो वो उस लम्हे को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाना चाहता हो। फिर वो सख्ती से आगे देखता है और पीछे ग्रे परछाई छोड़कर चला जाता है। निया अभी भी दरवाजे पर देखकर सिंहराज को याद कर रही है। जिराज को जलन हो रही थी। वो निया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एक हाथ से वो निया की कमर पकड़ लेता है और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे रख देता है। फिर वो गुस्से से बोलता है, क्या तुम दूसरे आदमी के साथ अच्छा रहना बंद करोगी? उन्हें गलतफहमी हो जाती है। निया अपनी आंखें घुमाती है। वो जिराज से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी इंच हिल नहीं पाती है। वो गुस्से से बोलती है, तुम्हें सिर्फ लव और रिलेशनशिप से ही मतलब है? कभी तुमने अपने ट्राइब के बारे में सोचा है? मुझे लगता है तुम इसके बारे में अपने घर वालों को बता दो, ताकि वो तैयार रहें। अगर एप किंग ने अपना टारगेट बदल दिया तो? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर एप किंग पहले तेंदुए प्रजाति को खत्म कर देगा तो चीता प्रजाति उन पर भारी पड़ सकती है। चीते की प्रजाति में 2-4 एनिमल स्ट्राइप वाले पशु मानव हैं और 2 भेड़िया और एप प्रजाति में हैं। अभी ये नहीं बता सकते दोनों में से कौन जीतेगा। अगर वो एप किंग होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। जिराज बोलता है, ठीक है, एक बार बारिश बंद हो जाए उसके बाद माँ को बता दूंगा। फिर वो अपने लंबे और तीखे नाखून देखता है और फिर सावधानी से निया का मुंह साफ करता है। जिराज दुखी होकर बोलता है, सारे काले धब्बे साफ हो गए हैं, अच्छा हुआ तुम्हें सिंहराज ने ऐसे नहीं देखा। निया अपना हाथ अपने फेस पर लगाती है। जैसे कि उम्मीद थी, वो कुछ धब्बे अपने हाथ से ही साफ कर लेती है। शायद हवा में ज्यादा नमी है। जिराज धब्बे साफ करते हुए बोलता है, अभी 3 महीनों तक बारिश नहीं रुकेगी। अब तुम्हें ये धब्बे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बाहर ही नहीं जाना है। निया हां में सर हिलाती है। एपिसोड 120, मेल्स एडवांटेज। बारिश बहुत तेज हो रही थी तो जिराज स्टोन बेसिन को बाहर रख देता है। थोड़ी ही देर में वो आधे से ज्यादा भर जाता है। निया बारिश के पानी को धोने के काम में इस्तेमाल करती है। जिराज झुककर निया को ब्रश करते हुए देखता है। जब वो निया का मुंह पूरा झाग से भरा हुआ देखता है तो उसमें से थोड़ा अपनी उंगली में ले लेता है। निया अपना सर उठाकर बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिराज उस झाग को अपने मुंह में रख लेता है और फिर थूक देता है। बहुत गंदा टेस्ट है। निया ब्रश को दांत में दबाती है और जल्दी से ब्रश खत्म कर देती है। फिर वो मुंह धोने से पहले कुल्ला करती है। ये ब्रश 3 महीनों से इस्तेमाल हो रहा था। निया की आदत के अनुसार अब इस ब्रश को बदलने का समय हो गया था। वो और भी इस ब्रश को चला सकती है, लेकिन ये समय की बात है। फिर निया जिराज को बैम्बू से बने कप में पानी देते हुए बोली, ये अस्वच्छ है, अपना मुंह साफ कर लो। जिराज को उस पेस्ट का स्वाद अभी भी उसकी जुबान पर महसूस हो रहा था। वो उस कप का पानी एक बार में ही पी जाता है। निया उत्सुकता से पूछती है,
जिराज, तुम्हारे दांत इतने साफ हैं, तुम क्या इस्तेमाल करते हो? जिराज उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। उसकी खुशी उसकी गोल्डन आंखों में साफ दिखाई दे रही है। वाओ, निया को उसके दांत पसंद आए हैं। जिराज अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, हम पशु मानव के तो रूप होते हैं। जब हम एनिमल रूप में होते हैं तो हमारे दांत बड़े रहते हैं, और जब हम इंसान के रूप में होते हैं तो हमारे दांत छोटे होते हैं। जब भी हमें अपने दांत साफ करना हो तो हमें कुछ बार अपना रूप बदलना पड़ता है। निया आश्चर्य से जिराज के दांतों को देखती है। ओ, आई सी। अभी उसके दांत उसके पशु मानव वाले रूप से थोड़े छोटे हैं, तो अब उसे पता चल रहा है कि रूप बदलने के बहुत सारे इफेक्ट हैं। निया पूछती है, फिर फीमेल कैसे अपने दांत साफ करती हैं? क्योंकि उसने देखा था कि ओल्ड फीमेल के दांत बहुत ही गंदे होते हैं। पहले उसे लगता था कि उनके बीच में इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता है, इसीलिए फीमेल अपनी स्वच्छता पर इतना ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन अब लग रहा है कि शायद फीमेल अपना रूप नहीं बदल सकती हैं, इसीलिए उनके दांत भी साफ नहीं होते हैं। निया सोचती है, ओ नो, ये सही था। निया सोच रही थी कि फीमेल का पशु मानव रूप नहीं होता है। बॉनफायर की पार्टी इसका अच्छा उदाहरण है। आदमी भी जब उस एज में आ जाता है उसके बाद ही पशु मानव बन सकता है, फिर भी वहां पर छोटी लड़कियां थी। जिराज अपना सर खुजाते हुए बोला, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मेरी माँ दांत साफ करने के लिए कांटेदार फल इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ पर वो फल नहीं है। जो हमारे घर पर पेड़ था वो मेरे पापा माँ के लिए दूर गांव से लेकर आए थे। कांटे वाला फल? जिराज अपनी फीमेल का साफ और निर्दोष चेहरा देख रहा था। पहले वो सोचता था कि वो निया को पसंद सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं करता है, फिर भी अभी उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी नजरें निया के फेस पर ही टिक जाती हैं। उस समय वो उसे वादा कर लेता है कि मैं अपने पापा के घर जाऊंगा और वो फल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। वहां पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, अगर मैं एक तोड़कर ले भी आऊंगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा। जिराज को याद आता है कि जब वो छोटा था तो अपने भाई के साथ मिलकर फल चुराता था। उसके पापा उन्हें थोड़ा मारते थे और फिर सजा के तौर पर उन्हें 2 दिन तक खाना नहीं देते थे। ये इंसिडेंट उसके लिए दुख भरी याद बनकर रह गया था। निया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। निया के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वो सोचता है कि अगर फल चुराने पर उसके पापा उसे मारे भी तो वो तैयार है। नागाल अभी भी सोया था और निया डर रही थी कि कहीं पीरियड्स में उसे ठंड ना लग जाए, तो अब खाने का सब जिम्मा जिराज पर आ गया था। जिराज बैम्बू उठाकर राइस लेने जाता है। जिराज देखता है कि वो बैग पूरा राइस से भरा है। फिर वो अपना हाथ डालकर राइस उठाता है और बैम्बू में धीरे धीरे डालता है। फिर राइस की थोड़ी खुशबू जिराज के सेंसेस में जाने लगी, तभी उसे एक राइस का दाना दिखाई देता है जिस पर पीला छिलका था। उसके पहले ही उसका दिमाग कुछ बताए उसका दिल बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। वो सोचता है कि अब वो सीड लेकर उसे बो देगा, फिर जब वो पक जाएंगे तो निया को उसके हाथों के राइस खाने को मिलेंगे। ये सोचते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जल्दी से वो सीड उठा लेता है।